मिसलीडिंग टाइटल की वजह से मोनेटाइजेशन बहुत सारे चैनल्स का डिसेबल हो चुका है, और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह से आपको रीअप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों को अपने चैनल के ऊपर करेक्ट करके रीअप्लाई करना है दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए, अगर आपका चैनल भी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है मेटा डाटा मिसलीडिंग या फिर मिसलीडिंग टाइटल की वजह से। देखिए गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका हुआ है मोनेटाइजेशन डिसेबल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तब भी आप एक यूट्यूब क्रिएटर अगर हो तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सब चीज़ें मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेटा डाटा मिसलीडिंग। दोस्तों सपोज करो कि आपका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो आपके टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन कैसे होने चाहिए क्या आपको पता है? देखो, कभी भी आपका टाइटल जो होता है वो थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और आपके कंटेंट के साथ मिलता जुलता ही होना चाहिए, सब कुछ मैच होना चाहिए, तभी वो मेटा डाटा मिसलीड नहीं होता है। जब तक आपका टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, टॉपिक से हटके नहीं होती, वो ओके होती हैं। तो बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख लेनी है कि अगर आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं तो सब ओके है। अगर आपका मान लो थंबनेल भी अलग है, आपने किसी सेलिब्रिटी के फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं या किसी भी फेमस यूट्यूबर के या किसी के भी, तो वो भी गलत है। आपको हमेशा वही चीज़ें दिखानी हैं जो आपने वीडियो में बोली हैं, वही आपके थंबनेल में, वही टाइटल में, टैग में और डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ इधर से उधर होएगी तो वो मिसलीड करेगी। मिसलीड का मतलब होता है कि गुमराह करना, ठीक है? तुम अपनी ऑडियंस को गुमराह करते हो कि कहीं आपने कुछ भी वीडियो के अंदर डाला है लेकिन थंबनेल पे आप किसी भी सेलिब्रिटी के किसी का फ़ोटो लगा दोगे, तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो गुमराह होकर उस सेलिब्रिटी की फ़ोटो देखकर उस वीडियो को क्लिक कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस वीडियो के अंदर वो मटेरियल नहीं होता है, जिस वजह से ये मिसलीडिंग के अंदर आता है और आप लोगों की चैनल की मोनेटाइजेशन को यूट्यूब जो है वो बंद कर देता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इनका ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग यूज़ कर सकते हो या नहीं, टैग्स को किस तरह से यूज़ करना है। देखो, टैग्स आपके बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड और थंबनेल से रिलेटेड होने चाहिए। अब बात आती है, क्या हम डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे टैग्स भर सकते हैं कॉमा लगा के? देखो, कोशिश करनी है कि कॉमा लगा के आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड मत करो, क्योंकि जब भी आप बहुत सारे कीवर्ड्स के बीच में कॉमे लगाकर उनको टाइप करते हो तो वो टैग्स की फॉर्म में आ जाता है, और टैग्स की फॉर्म में अगर आप कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखोगे तो वो भी एक इलीगल है, इस पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि जो मेटा डाटा पॉलिसी है वो कहती है कि कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा स्टैकिंग आपने नहीं करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखो, वहाँ पे आप सिंपली पॉइंट वाइज अपने किसी कुछ कीवर्ड्स को मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे कॉमा लगा के जब भी लिखोगे तो वो टैग्स की फॉर्म में आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, स्पैम उसको माना जाता है, और उसकी वजह से भी आपको जो है वो मोनेटाइजेशन से हाथ धोना पड़ सकता है मेटा डाटा मिसलीडिंग के चलते हुए। जब आपकी ये सारी चीज़ें आप अपने चैनल पे करेक्ट कर लोगे, ठीक कर लोगे, उसके बाद ही आप अपने चैनल को अप्लाई करोगे मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी बैलेंस नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, तो आपका चैनल जो है वो फिर से फंस सकता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को ठीक करने के बाद ही आप अपने चैनल को रीअप्लाई करोगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल रहता है, कोई भी डाउट आपका रहता है, मुझे कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा ध्यान से, अच्छे से, अगर आपको कुछ भी यहाँ से समझ में नहीं आता है, ठीक है? इसी के साथ गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।